स्वागत है आप सभी का करियर कोड चैनल में। दोस्तों, मैंने काफी सारे वीडियोस में जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन का जिक्र किया है, JIT, लेकिन है क्या ये जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन? आइए बहुत सिंपल तरीके से इसे आज समझ लेते हैं। जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन एक ऐसी टेक्निक है जो रन टाइम के दौरान कोड को कंपाइल करती है। फिर से बताता हूं, ध्यान से सुनना। जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन एक ऐसी टेक्निक है जो रन टाइम के दौरान कोड को कंपाइल करती है। ये टेक्निक अक्सर वर्चुअल मशीन्स में यूज होती है, जैसे जावा वर्चुअल मशीन और .NET कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन का प्राइमरी गोल प्रोग्राम के परफॉर्मेंस को एनहांस करना होता है बाय कंबाइनिंग द एडवांटेजेस ऑफ बोथ इंटरप्रेटेड एंड कंपाइल्ड लैंग्वेजेस। जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन के कुछ की पॉइंट्स अगर मैं बताऊं तो पहला है रन टाइम कंपाइलेशन। जस्ट इन टाइम कंपाइलर रन टाइम पे, यानी जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है, तब फ्रीक्वेंटली यूज्ड कोड ब्लॉक्स को कंपाइल करता है। इस प्रोसेस को डायनामिक कंपाइलेशन भी कहा जाता है। दूसरा है हॉटस्पॉट डिटेक्शन। JIT कंपाइलर हॉटस्पॉट्स को डिटेक्ट करता है, यानी कोड के वो पार्ट्स जो बार बार एग्जीक्यूट हो रहे हैं। हॉटस्पॉट्स को नेटिव मशीन कोड में कंपाइल किया जाता है। ओके, हॉटस्पॉट्स को नेटिव मशीन कोड में कंपाइल किया जाता है ताकि एग्जीक्यूशन फास्टर हो सके। तीसरा है हाइब्रिड अप्रोच। जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन इंटरप्रेटेड और अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन के बेनिफिट्स को कंबाइन करता है। इनिशियली कोड इंटरप्रेटर द्वारा एग्जीक्यूट होता है, लेकिन जैसे ही कोई पार्ट फ्रीक्वेंटली एग्जीक्यूट होता है, उसे नेटिव कोड में कंपाइल कर दिया जाता है। चौथा है परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। JIT कंपाइलर रन टाइम पे भी ऑप्टिमाइजेशन अप्लाई कर सकता है, जैसे इनलाइनिंग, लूप अनरोलिंग और डेड कोड एलिमिनेशन। ये ऑप्टिमाइजेशन एग्जीक्यूशन के दौरान कोड के एक्चुअल बिहेवियर पर बेस्ड होते हैं, जिससे ज्यादा इफेक्टिव ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल होती है। तो नेक्स्ट कुछ वीडियोस में हम देखेंगे JIT कंपाइलेशन का प्रोसेस, एग्जांपल और कुछ एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस भी। तो उम्मीद है आपको समझ में आया कि जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन क्या है। कोई भी क्वेरी अगर आपके मन में, तो कमेंट सेक्शन में आप बेझिझक लिख दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियोज इस चैनल पर आते रहें, तो लाइक एंड शेयर करके सपोर्ट जरूर करें इस चैनल को। जिस किसी ने भी बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, प्लीज कर लीजिए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने पर ही आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती हैं, वरना हो सकता है कि काफी सारे वीडियोस आप मिस कर जाएं। वैसे वीडियोस और प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हैं वो। यहाँ कुछ वीडियोस मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ, जो आप क्लिक करके देख सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। गुड बाय।